दिन है आज, आज जोश का दिन है, इंकलाब जिंदाबाद, मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, जो शहीद उनकी याद करो कुर्बान, जो लोग पड़े था पत्थर पर वो था हिंदुस्तानी। आज समस्या जो है, नाच लो गालो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो, आज का वो दिन है शेरों के लिए, वसों के लिए नहीं शेरों के लिए। और हक हक जो है, हक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उद्धम सिंह, देखो इस देश में पैदा हुआ और लंदन में जाकर मरा। अरे तो गांव वाले कौन कर सकते, मोहल्ले वाले कौन कर सकते, देश के गद्दार कौन मार सकते। अरे ये तो मैं क्रांतिकारी है, दिल जलो को कहा जलो, दिल जलो एक काम नहीं, फूक के राग ना कर दो तो मूछ मंत्री हमारा नाम नहीं। समस्या है देश को बचाना, समस्या है देश को बचाना। आज 15 अगस्त है, यह इसलिए माना जाती है, इसमें कोई दुरेश की ऐसा नहीं होती। यू बीरेंद्र का घर नहीं है, इन लोगों का घर नहीं है, ये तो स्वतंत्र दिन है। अगर इसमें राजनीति लगे, राजनीति की बात करें, व्याज भी खत्म है, देश में गद्दार है। आज तो बिल्कुल देश के राष्ट्र की बात होनी चाहिए। जैसा वहाँ पोस्टर लग रहा, वो पोस्टर लग रहा भगत सिंह चंद्रशेखर का लग रहा, किसी का पहुंचा है। समस्या यह है, अगर आप मीडिया वाले आप भी दबो, प्रशासन भी दबे, जनता भी दबे, इसलिए आज मैं ठेना पोस्टर भी क्षमा किसका है। आपके अनुसार एक में एक सवाल, आपके अनुसार चेयरमैन कौन होना चाहिए, मनीष चौहान या मधु? चेयरमैन वो होना चाहिए जो जिसमें गुर्दा और दम हो, लाश हो जा, तिरंगे में लिपट जा, पर दबे ना। एक सवाल है, ये जो सिट है जो है दलित कम्युनिटी में जा रही है आरक्षण के हिसाब से, लेकिन दलित कम्युनिटी दबी कुचला समझती है ना अपना इस्लाम, क्यों समझे, क्यों समझे, गलत है ना, स्वतंत्र आजाद के हो गए फिर आप लोग। तो शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं NDUP, आज हम पहुंचे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुज्जर के प्रकरण में, इस तरीके की जो है इलाके में पंचायतें चल रही है, ऐसा लगा है आज है मधु गुज्जर जी के हाथों से आपने झंडा फहराया, क्या मामला है, क्या आप चेयरमैन पद पर मधु गुज्जरी जी रहेंगे? नहीं, आज तो ये जो प्रोग्राम है, ये तो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के उसमें है, और ये जिला पंचायत का कार्यालय है, इस पे जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष यहाँ आदरणीय मधु गुज्जर हैं, तो झंडा में ही तो फहराऊंगी। आज तो यहाँ कोई पंचायत थोड़ा ही है, आज तो यहाँ सभी आमंत्रित कर रखे थे कि भाई स्वतंत्रता दिवस है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो आज है ही नहीं, आज तो देश की आजादी के लिए प्रोग्राम है, उसी के उसमें उपलक्ष्य में यहाँ सभी इकट्ठे हुए, आज कहाँ की राजनीति। आपके जो सामने के जो नेता थे मनीष चौहान, जो पंचायत कर रहे थे, उनकी तो उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी आज? नहीं, पंचायत का तो नहीं आना, ये काम आज यहाँ वो प्रोग्राम सरकारी कार्यक्रम में तो होना था ना, अगर जिला पंचायत के जो जिम्मेदार थे, जिला पंचायत जो नेता थे, जिला पंचायत के जितने मेंबर हैं, जितने इसके पदेन सदस्य हैं, जितने भी और सम्मानित लोग हैं, सबके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से सबके यहाँ कार्ड जा रहे, तो उन लोगों को आना चाहिए था सबको, यहाँ यहाँ कोई रोक थोड़ा ही थी किसी की। यहाँ आज समाजवादी पार्टी के भी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के भी है, राष्ट्रीय लोक दल BJP का तो गठबंधन है ही, उनके लोग भी हैं ही यहाँ सब, और तो ये तो आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं आज। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई वो मधु गुज्जर के मामले में की, दलित बेटी को जो है आज इसका हक मिल गया, बात तो जो है मधु पर भी हुई ना? नहीं, दलित बेटी तो यह है ही, आज थोड़ी दलित बेटी हुई है, यह तो जिला पंचायत की जो कुर्सी है अध्यक्ष की, वो थी आरक्षित दलित के लिए, उसकी अध्यक्ष है, और आजादी कैसी है, तो 3 साल से अध्यक्ष है ही, आजादी कहेगी जिला पंचायत अध्यक्ष 3 साल से है ही। क्या कह रहे थे? अच्छा जी चौधरी साहब, क्या लग रहा है आज का कार्यक्रम कैसा रहा? विपक्षी जो नेता है मनीष चौहान और जिला पंचायत सदस्य हैं, वो उनकी उपस्थिति नहीं यहाँ पे रही? देखियो, आज तो हम यहाँ सब झंडा फहराने के लिए आए, और जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से यहाँ आमंत्रित थे, और आज जो है जो शहीद हुए, हकीकत तो बात यह है कि उनसे नमन करने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए, इसमें किसी के पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। लेकिन पक्ष विपक्ष की बात क्यों नहीं है? जिला पंचायत सदस्य एक संविधान की जो है शपथ लेते हैं, यहीं से शपथ ली जाती है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में उनका उपस्थित न रहना ये बहुत बड़ी सवाल है। तो उन्होंने आना चाहिए था ना, वो तो उनकी सोच है, उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। आज हमारा 78वां स्वतंत्र दिवस है, आज ऐसे मौके पर उन्होंने यहाँ आना चाहिए था जिला पंचायत के उसमें ध्वजारोपण में। क्या लग रहा है आपको जो है जिस तरीके का कार्यक्रम आज किया गया है, इतनी संख्या में, प्रसन्न चौधरी कह रहे थे कि इससे पहले हमने इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी गई, तो ये मधु गुज्जर की मोहब्बत में आए या कार्यक्रम की वजह से? देखो, कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, इसमें जैसे ही मधु गुज्जर की तरफ से या पूरे बोर्ड की तरफ से जो है निमंत्रण लोगों को दिए गए थे, उन निमंत्रण पर लोग यहाँ पर आए हैं।
जब कोई बुलाओगा तो तभी आऊंगा भाई। बुलाए गए हैं विपक्षी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मान के चलिए मनीष चौहान के जो साथ में जिला पंचायत सदस्य हैं, यहीं से वो शपथ ले रहे हैं, उनकी तो उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी। देखो वो तो वही जाना है, उनके पास इन्विटेशन था हमारा, सबको जो है इन्विटेशन भेजा गया था बोर्ड की तरफ से, सब पे जो है सबको सूचना थी, वे क्यों नहीं आए वो तुम बता सकें उनके बारे में, उनका क्या मामला है भाई, उनकी अपनी व्यक्तिगत मामला है, क्यों नहीं आए, उनके उसके जो है निमंत्रण उनके पास सबके पास गया हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि मधु गुज्जर ही सारे काम काज को संभाले? बिल्कुल वो तो संभालेगी, उसमें क्या दिक्कत आ रही, वो तो जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष अधिकार है उसका, वो तो संभालेगी। और जो है देखो स्वतंत्रता दिवस जो है पिछले 3 साल से लगातार मना रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ झंडा नहीं फहराया जाता, उसमें जो है जब कोई किसी को बुलाओगा तो तभी वहाँ पर लोग जो है एकत्रित हो गए। आज जो है सभी पार्टियों के लोग यहाँ एकत्रित हैं और ध्वजारोहण सबने साथ मिलकर किया, मधु गुज्जर जो है अध्यक्ष है तो उसने जो है वो कार्यक्रम अपने हाथों से संपन्न कराया। साहब क्या बात, बहुत ज्यादा जोश में है, क्या जोश का दिन है आज? आज जोश का दिन है, इंकलाब जिंदाबाद, मेरे वतन के लोगों आंखों में भर रो पानी, जो शहीद उनकी यादगारों कुर्बान, जो लोग पत्थर पर होता हिंदुस्तानी, आज समस्या जो है नाच लो गालो मुस्कुरा लो महफिल फजा लो, आज का वो दिन है शेरों के लिए, वसों के लिए नहीं शेरों के लिए। और हक हक जो है हक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उद्धम सिंह, देखो इस देश में पैदा हुआ और लंदन में जाकर मरा। अरे तो गांव वाले गुण कर सकते, मोहल्ले वाले गुण कर सकते, देश के गद्दार गुण मार सकते। अरे ये तो मैं क्रांतिकारी है, दिल जलो को कहा जलो, दिल जलो एक काम नहीं, फूक कर आग ना कर दो तो मुझ मंत्री हमारा नाम नहीं। समस्या है देश को बचाना, समस्या है देश को बचाना। आज 15 अगस्त है यह इसलिए माना जाती है, इसमें कोई दुरेश कैसे नहीं होती, यू बीरेंद्र का घर नहीं है, इन लोगों का घर नहीं है, ये तो स्वतंत्र दिन है। अगर इसमें राजनीति लगे, राजनीति की बात करें, व्याज भी खत्म है, देश में गद्दार है। आज तो बिल्कुल देश के राष्ट्र की बात होनी चाहिए। जैसा वहाँ पोस्टर लग रहा, वो पोस्टर लग रहा भगत सिंह चंद्रशेखर का लग रहा कि पहुंचूंगा है। समस्या यह है, अगर आप मीडिया वाले आप भी दबो, प्रशासन भी दबे और जनता भी दबे, इसलिए आज मैं कहना पोस्टर भी कमा किसका है। लेकिन एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, आज दो के जो मधु गुज्जर है उसका जो राइट था उसको छीना जा रहा था, वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के झंडा उन्होंने पहले नहीं फहराया। सवाल ये है तो इस तरीके से जो इतनी भीड़ आई है कि वो आज उनको जो है ताकत देने के लिए। देख भाई साहब तक कितनी बढ़िया बात पूछी, तब पूछी मर्द वाली शेरों की बात, सर फरोती की तमन्ना मेरे दिल में है, देखना कितना जोर और बात जोर कातुल में। जिस आदमी को हम पद दे रहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, और वो अपना पद का यूज नहीं कर सकते, उसे डूब का मर जाने का जीने का अधिकार नहीं, और हम उसके साथ है जो है दब दबाव है, हम उसके साथ खुल के खड़े, हमारा पूछ पाड़ लो और आओ जिला जेम अड़ना, और जी जेम आओ, खुला चैलेंज है, जो आदमी दबा कुचला है उसे उभारने के लिए मुझ मंत्री है। एक बात सवाल है मंत्री जी, आरक्षण है दलित समाज का, आरक्षण में जो है एक सीट आती है, तो सीट के अनुसार जो है जिला पंचायत सदस्य जो है दलित कम्युनिटी में आ जाती है। अब दलित कम्युनिटी आपको पता है कि बड़ी कास्ट के सामने उभर नहीं पाती, बोल नहीं पाती, ये भी एक सवाल निशान है ना, तो इस कारण बता रहे हैं कि मधु गुज्जर जी ना भाई यही गलत हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ था, जिन्होंने क्रांति करी, जिन्होंने देश को बचाया, उन्हें तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन तो उन लोगों में मिलना चाहिए जो मरे पर मरे, जैसे नेताजी का हमन होना चाहिए, उन्हें जन्मदिन मरण दिन, भगत सिंह का होना चाहिए, उद्धम सिंह का होना चाहिए, वीर सवरे का होना। समस्या क्या है, उन्हें तो हम भूल रहे, उन्हें तो ला नहीं रहे, यह जाति में धर्म में तोड़ रहे लोग, यह हमारे देश की बहुत बड़ी गद्दारी है, इसे तोड़ना चाहिए। आपके अनुसार, आपके अनुसार एक में एक सवाल, आपके अनुसार चेयरमैन कौन होना चाहिए, मनीष चौहान या मधु? चेयरमैन वो होना चाहिए जो जिसमें गुर्दा और दम हो, लाश हो जा, तिरंगे में लिपट जा, पर दब ना। एक सवाल है, ये जो सीट है जो है दलित कम्युनिटी में जा रही है आरक्षण के हिसाब से, लेकिन दलित कम्युनिटी दबी कुचला समझती है ना अपना इस्लाम, क्यों समझे, क्यों समझे, गलत है ना, स्वतंत्र आजाद के हो गए फिर आप लोग स्वतंत्र। शास्त्री जी कैसे हो? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यहां का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत लोग काफ़ी संख्या में लोग आए, और न जाने कितने इतिहासकार लिखता है कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, खुदाम बोस, श्याम कृष्ण वर्मा जी आदि आदि न जाने 7 लाख लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी। अच्छा कैसा लग रहा है आपको जो है कार्यक्रम? नहीं बहुत अच्छा लग रहा, काम करे में आके बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो अभी कहा था अगले जो कार्यक्रम होंगे वो बहुत भीड़ भाड़ के साथ,
नहीं, कार्यक्रम तो जो जिसमें भीड़ संख्या जुटाने की बात होगी उसमें भीड़ भी होगी, और जो कार्यक्रम अपने डेली बेस के हैं सिस्टम में चले हैं उसी तरीके से कार्यक्रम होंगे। जी, आज कैसे पहुंचे कार्यक्रम में? जिला पंचायत की तरफ से निमंत्रण मिला था, पूरे जिले में निमंत्रण पर सभी कार्यकर्ता आए हैं, रहे हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आपको तो भेज दिया गया जो कार्ड वगैरह आप कह रहे हैं, लेकिन मनीष चौहान के जो साथ में रहने वाले जिला पंचायत सदस्य है, क्या उनको नहीं भेजा गया? सभी को निमंत्रण गया है, पूरे जिले में गए सभी जिला पंचायत सदस्यों को गए है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, निमंत्रण में कोई पक्षपात नहीं हुआ, ये सबके पास पहुंचे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय। आज हम मौजूद थे यहाँ पर। जी जी, मैं इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ समस्त देशवासियों को कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए सबसे बड़ा जो धर्म होता है राष्ट्र धर्म होता है, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश ना रहा तुम कैसे जिएंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए।